मेरा भाई पढ़े लिखे में भी तेज है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसकी पढ़े लिखे में कोई प्रॉब्लम हो पढ़ाई के हिसाब से। और मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया हूँ, नॉन मेट्रिक हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा वाइफ को अगर पढ़ लिख के कोई आगे बढ़ाऊँ तो कल के दिन में याद करेगा मेरा हस्बैंड हेल्प किया। कहा जाता है कि जो तुहाडे कोल कुछ करन दा जनून होवे तां मुसीबतां तुहाडे सामने गुड्डे टेक दिंदियां ने। कुछ अजिहा ही कर विखाया झारखंड के रहने वाले तंजे माझी ने, जिन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी की प्रीख्या दवाने लई झारखंड तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक 1200 किलोमीटर का सफर स्कूटी से तय किया। झारखंड के टोला पिंड के तंजे माझी की पत्नी अनीता डीएड विच दूजे साल की विद्यार्थन है। तंजे गुजरात विच कुक का काम करता सी पर तालाबंदी कारण उसकी नौकरी चलेगी, उदों तो घर ही रह रहा है। जदों पत्नी की प्रीख्या की तरीक आई तो उसने ग्वालियर बस राही आने बारे सोचा। जदों निजी बसों नाल संपर्क किया गया तो पता लग्या एक व्यक्ति का किराया 15,000 रुपए है, पर उसकी वित्तीय हालत अजिही नहीं सी कि वह एक खर्चा चुक सके। इसलिए उसने रेल की टिकट बुक करवाई पर मौके पर ट्रेन भी रद्द हो गई। तंजे को अपनी पत्नी इम्तिहान लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर भेजन का कोई तरीका नहीं सी। फिर उसने अपने ते भरोसा किया ते स्कूटी ते 6 महीने की गर्भवती पत्नी नाल ग्वालियर पहुंचने का फैसला किया। रस्ते विच पेट्रोल ते खान का प्रबंध अगली चुनौती सी, इसलिए पत्नी ने अपने गहने गिरवी रख के इस समस्या का हल लभिया। ग्वालियर आने तो बाद उन्होंने सामने एक नवी समस्या खड़ी हुई कि वह कित्थे रहणगे ते इम्तिहान देने तो बाद झारखंड वापस किवें आउणगे। इस दौरान उन्होंने मुलाकात ईटीवी भारत नाल हुई। साडे नुमाइंदे ने दोवे दीआं मुश्किलां समझियां ते उन्हां दी खबर नूं प्रमुखता नाल प्रकाशित किया। ईटीवी भारत वालों खबर प्रकाशित होने तो बाद जिला प्रशासन ते कुछ समाज सेवियां ने मदद लई हथ अगे किया। जिला प्रशासन ने इस जोड़ी नूं मदद लई 5,000 रुपए का चैक दिता। उत्थे कुछ समाज सेवियां ने उन्हां दे खाण पीण ते रहण दा प्रबंध किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पति इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ये मतलब सब मेरे मतलब मेरे रिलेशन मेरे परिवार सब बोल रहे थे ऐसे हाल में मत जा। मेरे पति ही बोले कि हम किसी तरह तुमको ले जाएंगे, एग्ज़ाम दिला के ही रहेंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी यहाँ। हाँ, बहुत परेशानी आई है रास्ते, एक तो बिहार के रास्ते बाढ़ से पूरे ख़राब हो चुके थे तो उबड़ खड़ उससे भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर 1200 किलोमीटर ऐसे बैठे बैठे एकदम पैर सब पूरा दर्द करने लगा था, पूरा शरीर, पैर भी मेरे फूल गए थे और पूरा पानी में भींचते भींचते आए हैं। और फिर यहाँ आके मतलब 2 दिन बीमार भी हो गए थे तो 31 अगस्त तक मतलब ठीक हो गए। हुण तंजे दे घर एक बेटे का जन्म होया है। हालांकि बच्चा समय तो पहला होया है पर माँ ते बच्चा दोवें तंदुरुस्त ने। अनीता बहुत खुश है। सर, अनुभव बहुत अच्छा है। जिस कष्ट में हम लोग यहाँ से गए थे ग्वालियर और वहाँ से जब हमको सुविधा मिला, यहाँ से फ्लाइट से आडाने वाला ने फ्लाइट से हमको भेजा घर पे, घर तक हम लोग को सही सलामत छोड़ा। और इसलिए छोड़ा, उनको पता था कि गर्भावस्था में इस स्कूटी से आना बहुत कठिन था, इसीलिए वो लोग ने फ्लाइट का टिकट भेजा था। और उसके बाद भेजने के बाद में हमको यहाँ आने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में 1-1.5 महीना के बाद में हमारा जो डिलीवरी हुआ मेरा बीबी का, और अभी बच्चा हो गया, अभी लड़का है। बहुत खुश हूँ। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इतना एग्जाम देने के लिए बहुत कठिनाई से गए थे, कोई साधन उधर नहीं था, घर में पैसे भी नहीं थे जिस वजह से मतलब स्कूटी से जाना पड़ा था। लेकिन वहाँ जाके मतलब ग्वालियर में जाके वहाँ के मीडिया प्रशासन सब ने इतनी मदद की कि जिस वजह से वापस आए अच्छे से एग्जाम दे के। जिसलिए मैं संघर्ष कर रही हूँ वो मैं टीचर बनने का, मैं बनना चाहती हूँ और मैं संघर्ष करती रहूँगी जब तक टीचर ना बनूँ, और साथ में अपने बच्चे को भी मतलब आगे पढ़ने के लिए सारा चीज सुविधा देना चाहती हूँ। पत्नी दी जिद सी कि वह डीएड की परीक्षा दे के आने वाले समय विच एक अध्यापक बनेगी तां जो उसके परिवार का संकट खत्म हो सके, क्योंकि उसके पति दे गुजरात वापस जाण दी संभावना 0 सी। पत्नी दे जनून नूं सलाम करदे होए तंजे ने उसका समर्थन करके एक पति का फर्ज निभाया। अनीता ने अपने हौसले बुलंद रखे, दोवां दे जज्बे नूं वेख के हर कोई उन्हां नूं सलाम कर रहा है। उन्हां दी हिम्मत, लगन ते मेहनत की हर पासे प्रशंसा हो रही है। ईटीवी भारत ब्यूरो रिपोर्ट। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।